पेशियोला हिपैटिका एक बायसेक्सुअल या मोनोशियस ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक ही बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। इसी को ही हर्मेफ्रोडाइट भी कहा जाता है। तो अब ये जो एक ही बॉडी में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जा रहे हैं, इन दोनों को वन बाय वन स्टडी करते हैं। स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेनली कंपोज ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ये है एंटीरियरली लोकेटेड टेस्टिस, तो इसे बोलेंगे एंटीरियर टेस्टिस। एंड अदर इज पोस्टीरियरली लोकेटेड, दिस इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर टेस्टिस। अब इनकी शेप देखिए, बहुत ही ब्रांच्ड सी टेस्टिस है ये, और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनका फंक्शन होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस करना। अब जैसे ही स्पर्म बन गए, उनको फिर आगे ट्रांसपोर्ट कराया जाता है बाय द हेल्प ऑफ वाइट कलर्ड ट्यूब्यूल्स। एक टेस्टिस से एक ट्यूब्यूल अराइज होती है, मतलब दो टेस्टिस हैं तो टोटल दो ट्यूब्स आएंगी। इन ट्यूब्स को बोला जाता है वास डिफरेंस। सो वास डिफरेंस का काम होता है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना, एंड ये ट्रांसपोर्टेशन होती है बाय पेरिस्टेल्सिस। तो अब ये स्पर्म यहां से ट्रांसपोर्ट होकर आगे यहां पर जाएंगे इस स्ट्रक्चर में। दिस इज ऑलमोस्ट एस शेप स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में स्पर्म स्टोर हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। इसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। सो इसका फंक्शन हो गया स्टोरेज ऑफ स्पर्म। जैसे ही स्पर्म मैच्योर होंगे, वो आगे ट्रेवल करेंगे, इस डक्ट में एंटर करेंगे। दिस इज इजैक्यूलेटरी डक्ट, और दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्टेटिक डक्ट। प्रोस्टेटिक डक्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये साइड्स में से प्रोस्टेटिक ग्लैंड से सराउंडेड होती है। एंड एक और नाम इसे दिया जाता है, दैट इज पार्स प्रोस्टेटिका। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, ये अल्कलाइन सिक्रीशन ऐड करती है स्पर्म्स में। इस अल्कलाइन सिक्रीशन की वजह से स्पर्म इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। तो अब प्रोस्टेटिक डक्ट से आगे ट्रेवल करेंगे स्पर्म इन दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज पेनिस और सीरस। ये मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ये पेनिस एक कवरिंग से सराउंडेड होता है। इस कवरिंग को बोलते हैं पेनिस शीथ और सीरस शीथ। कवरिंग का काम प्रोटेक्शन ही हो गया। पेनिस को तो प्रोटेक्ट करेगी, साथ साथ ये जो इजेक्यूलेटरी डक्ट है और सेमिनल वेसिकल है, इसको भी प्रोटेक्ट करेगी ये। अब जो स्पर्म पेनिस में आ गए हैं, यहां से इस पोर के थ्रू स्पर्म बाहर जाएंगे। बाहर नहीं, मतलब एक जगह पर जाएंगे। ये जो ओपनिंग है, दिस इज मेल गोनोपोर। यहां से स्पर्म निकलकर एक कैविटी में जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज जेनिटल एट्रियम। सो नेक्स्ट हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज सिंगल ओवरी। ये ओवरी बॉडी के राइट साइड पर लोकेटेड होगी। दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड ऑफ पेशियोली। तो राइट साइड पर अलाइंड है ये, एंड टेस्टिस के कंपैरेटिवली इसका साइज छोटा होता है। उसके बाद एक ट्यूब आती है, दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज ओविडक्ट। फिर इसके बाद एक वाइट ट्यूब आती है, दैट इज यूट्रस और मैट्राटर्म। ये यूट्रस ओपन होता है एक ओपनिंग से कॉल्ड फीमेल गोनोपोर। ओपन होकर खुल जाएगा जेनिटल एट्रियम में। अब हमने ये देखा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी जेनिटल एट्रियम में ओपन हो रहा था बाय मेल गोनोपोर, वहां पर अपने स्पर्म्स को डिस्चार्ज कर रहा था। तो अब वहां से स्पर्म को लिया जाएगा। स्पर्म को उठाया, स्पर्म एंटर किए वाया फीमेल गोनोपोर इनटू यूट्रस, देन यूट्रस से आए ये ओविडक्ट में, एंड ओवरी के अंदर बन रहे होते हैं ओवम, यानी ओजेनेसिस होती है। तो ओजेनेसिस हो चुकी होती है, ओवम बन गए, अभी ओवम जाते हैं ओविडक्ट में। यहां से स्पर्म ओविडक्ट में आ रहा होता है,
सो ओविड में ओवम और स्पर्म दोनों मिल जाते हैं, देर इज फॉर्मेशन ऑफ जायगोट यानी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट इसके अराउंड एक कैप्सूल बनाया जाता है। अब इस जायगोट को जिसके अराउंड कैप्सूल बन गया, दिस इज कॉल्ड एज एन कैप्सुलेटेड जायगोट। इस एनकैप्सुलेटेड जायगोट को यूट्रस से मूव करवाया जाएगा। ड्यूरिंग मूवमेंट ये अपने अंदर एम्ब्रियो बना रहा होगा, फिर यूट्रस से फिर ये जाएगा फीमेल गोनोपोर में, फीमेल गोनोपोर से ओपन हो जाएगा अगेन जेनिटल एट्रियम में। जेनिटल एट्रियम यहां से ये एक ओपनिंग से बाहर खुल जाएगा, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज गोनोपोर। ये हम मॉर्फोलॉजी में देख चुके हैं, एसिटैबुलम के जस्ट अबव लाई करता है। सो गोनोपोर एक्चुअल में एक कॉमन ओपनिंग है फीमेल और मेल गोनोपोर के लिए, दोनों ही इसमें खुलते हैं। अब यहां पर हमने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एनकैप्सुलेटेड जायगोट बन गए थे, वो फीमेल गोनोपोर से निकले, जेनिटल एट्रियम में गए और फिर यहां से गोनोपोर से खुल के बाहर निकल जाएंगे। तो ये तो हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पाथवे। अब ये जो कैप्सूल जायगोट के अराउंड ऐड हुआ, ये कौन ऐड करता है ये देखते हैं। तो देखिए ये जो स्काई ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, दीज आर विटेलाइन ग्लैंड्स, या फिर इन्हें कह दिया जाता है वाइटल एरिया। विटेलाइन ग्लैंड्स का काम होता है योक प्रोडक्शन करना, बट जो फेशियोला है इसके विटेलाइन ग्लैंड योक कम शेल मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। अब ये क्या चीज है, दिस इज मिक्सचर ऑफ योक एंड शेल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस, योक और शेल फॉर्मिंग सब्सटेंस का मिक्सचर है। तो ये मिक्सचर बन गया। अब ये मिक्सचर ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट हुआ इस इफरेंट विटेलाइन डक्ट में, यहां से फिर ये जाएगा एक वाइड विटेलाइन डक्ट। ये जो वाइड विटेलाइन डक्ट है, दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर विटेलाइन डक्ट। जो पोस्टीरियरली लोकेटेड है उसको बोलते हैं ये पोस्टीरियर विटेलाइन डक्ट। अब जो ये पोस्टीरियरली लोकेटेड विटेलाइन ग्लैंड है, ये अपनी सेक्रेशन इफरेंट विटेलाइन डक्ट में डालेंगे, फिर पोस्टीरियर विटेलाइन डक्ट में जाएगी इनकी सेक्रेशन। यहां से जाने के बाद इन दोनों की जो सेक्रीशन है, एंटीरियर विटेलाइन डक्ट से जो आई और जो पोस्टीरियर विटेलाइन डक्ट से आई, दोनों ही मिलेंगी एंड जाएंगी ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट में। तो ये तो था सारा राइट साइड का सिनेरियो। अब जो लेफ्ट साइड है वहां पर भी यही विटेलाइन ग्लैंड्स और डक्ट्स हैं। दिस इज एंटीरियर विटेलाइन डक्ट, दिस इज पोस्टीरियर विटेलाइन डक्ट एंड दिस वन इज ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट। तो यहां से भी जो विटेलाइन डक्ट के मटेरियल है यानी योक एंड शेल मटेरियल, ये दोनों चीजें आई इन ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट में, जो कि एक्चुअल में बीच में लोकेटेड है, ट्रांसवर्स भी लोकेटेड है, और दोनों ही कंबाइन होकर सिंगल ट्यूब बना लेते हैं, सिंगल डक्ट बना लेते हैं। ये डक्ट अब अपनी सेक्रेशन को ऐड कर देंगे एक मीडियन विटेलाइन डक्ट में। वो मीडियन विटेलाइन डक्ट इस येलो कलर के ग्लैंड में खुलते हैं। अब आगे क्या होगा, दिस येलो ग्लैंड इट इज नॉट एक्चुअली येलो, जस्ट डिफ्रेंशिएशन के लिए इसको येलो रखा है। दिस ग्लैंड इज यूनिसेल्यूलर एंड इज कॉल्ड एज मैलिस ग्लैंड। ये मैलिस ग्लैंड योक कम शेल मटेरियल में से सिर्फ शेल फॉर्मिंग सब्सटेंस को अलग कर लेगा। अब ये शेल फॉर्मिंग सब्सटेंस को यूज करके जो जायगोट बना था उसके अराउंड कैप्सूल बना देगा। तो बन गए एनकैप्सुलेटेड जायगोट। अब ये जायगोट फर्दर मूव कर जाएंगे। तो ये तो काम हो गया शेल फॉर्मिंग सब्सटेंस का। योक का क्या काम होगा, जो योक है दिस विल बी यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। जब ये एम्ब्रियोनेटेड कैप्सूल बनेंगे, यहां तक जाते हुए ये एम्ब्रियो बना देगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए इसको नरिशमेंट चाहिए एंड वो परफॉर्म की जाएगी बाय द हेल्प ऑफ योक। नेक्स्ट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग टू बी नोटेड इज ये जो ओवरी है इसके डिस्टल साइड पर एक और इम्पोर्टेंट केनाल लोकेटेड होती है, दैट केनाल इज कॉल्ड एज
लॉरल टाइडिया कैनाल, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट इसका नाम रखा गया है, लोरर्स कैनाल बोल लेते हैं इसको। ये लोरर कैनाल बाहर ओपन होती है एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज ओपनिंग ऑफ लोरर्स कैनाल। तो अब देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम फेशियोला हिपैटिका में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब सेम ही बॉडी में से स्पर्म को ले लिया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से। बट कई बार ऐसा होता है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, तो मतलब अब स्पर्म को बाहर से लेना पड़ेगा किसी और फेशियोला से। तो जब स्पर्म को बाहर से लेना होता है ड्यूरिंग क्रॉस फर्टिलाइजेशन, स्पर्म एंटर करते हैं वाया ओपनिंग ऑफ लोअर कैनाल, फिर लोअर कैनाल में मूव करते हैं। तो अब लोअर कैनाल जो है वो वेजाइना की तरह एक्ट कर रही है स्पर्म को, अब कैरी करवा के अब ये लेकर जाएगी ओविडक्ट में, फिर इसकी फर्टिलाइजेशन होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट। तो इतना तो हम जान चुके हैं कि फेशियोला में सेल्फ और क्रॉस दोनों ही टाइप की फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रही है तो इस केस में क्या होगा, एक मान लीजिए ये फेशियोला है, इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एग बना रहा है, और दूसरा फेशियोला का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो चुका है और वो स्पर्म बना रहा है। ये जो स्पर्म है इस फेशियोला के, वो इस फेशियोला में ट्रांसफर करवाने हैं। तो ये जो ट्रांसफर है वो किस तरह से होगा, इसकी जो पेनिस होगी वो पेनिस इस फेशियोला की लोरर कैनाल की ओपनिंग में इंट्रोड्यूस हो जाएगी। इंट्रोड्यूस होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करते ही सारे स्पर्म्स को इजेक्यूलेट कर देगी इनटू लोरर कैनाल। अब ये लोरर कैनाल से मूव करके फाइनली ओविडक्ट में चले जाएंगे और वहां पर ओवम से फ्यूज हो जाएंगे, हो गई फर्टिलाइजेशन। देन नेक्स्ट केस है सेल्फ फर्टिलाइजेशन का। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, सेम फेशियोला का ओवम और इसी का ही स्पर्म, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ फ्यूज करना। तो इसमें क्या होगा, जो पेनिस है इसी फेशियोला की, उसको इसी फेशियोला की जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें यूट्रस में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। पेनिस यूट्रस में इंट्रोड्यूस हुई फीमेल गोनोपोर के थ्रू, यूट्रस में जाके स्पर्म्स को डिस्चार्ज कर दिया, फिर वो ओविडक्ट में चले गए, फिर ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो दोनों ही केस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बॉडी के अंदर ही फ्यूजन हो रही है। फाइनली हमारे पास आ जाएगा एक जायगोट। अब ये जो जायगोट है, पहला केस तो हो गया फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपमेंट इज फर्टिलाइजेशन। दूसरा स्टेप जो है डेवलपमेंट का, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल अराउंड जायगोट, कैप्सूल फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, जो ये जायगोट बना इसके अराउंड कैप्सूल बनाया जाएगा, वो कैप्सूल येलो ब्राउन कलर का होगा, येलोइश ब्राउन कलर का होगा। एंड ये बनाने के लिए हम जानते हैं मैलिस ग्लैंड, योक कम शेल मटेरियल में से शेल फॉर्मिंग सब्सटेंस को अलग करके ये कैप्सूल बना देता है। अब कैप्सूल बन चुका है, अब ये जो कैप्सूल कैप्सुलेटेड जायगोट्स हैं ये मूव करेंगे यूट्रस में, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने से जो कैप्सूल हैं वो होस्ट की बाइल डक्ट में निकल जाएंगे, बाइल डक्ट में गिर जाएंगे, जिस कैविटी में ये रह रहा था, फेशियोला रह रहा था, उसी कैविटी में इसके जो एनकैप्सुलेटेड जायगोट है वो निकल जाएंगे। सो इसे हम बोलते हैं थर्ड स्टेप, दैट इज कैप्सूल लेइंग। फेशियोला से बाहर निकल गए और चले गए होस्ट की बॉडी की बाइल डक्ट में। होस्ट इज शिप, तो शिप की बाइल डक्ट में चले गए, बाइल डक्ट से फिर ड्यूडेनम में जाएंगे और ड्यूडेनम से फिर ये बाहर चले जाएंगे, फीसिस से इजेक्ट हो जाएंगे। अब वैसे तो डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट यूट्रस में हो जाएगी, बट एक्चुअल में ये जो फॉरवर्ड मूव करेगी वो एग लेइंग होने के बाद, कैप्सूल लेइंग होने के बाद होगी मेन डेवलपमेंट। सो फोर्थ स्टेप इज एक्चुअल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होगा, ये जो यूनिसेल्यूलर जायगोट है, इस यूनिसेल्यूलर जायगोट में रैपिड माइटोटिक डिवीजन होंगी एंड फर्दर ये पूरा एक एम्ब्रियो बना लेगा।
ये जो रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स होंगी, इनमें क्या होगा कि इस जायगोट में यॉक प्रेजेंट है, तो जहां जहां पे यॉक प्रेजेंट है वहां पर माइटोटिक डिवीजन्स कम हो पाएंगी, जहां यॉक नहीं है वहां पर माइटोटिक डिवीजन फटाफट से होंगी और बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। जहां यॉक है वहां पर डिवीजन्स तो होंगी बट फटाफट से नहीं हो रही, तो सेल्स जो है वो बड़े बड़े बनेंगे। इस तरह के डिवीजन को बोलते हैं हम अन इक्वल डिवीजन। एंड क्योंकि पूरा का पूरा सेल डिवाइड कर रहा है ना, ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्ट तो डिवाइड कर रहा है दूसरा पार्ट नहीं कर रहा, सो दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड एज होलो ब्लास्टिक। एज अ होल वी विल से दिस एज अनइक्वल होलो ब्लास्टिक क्लीवेज। सो अब अनइक्वल होलो ब्लास्टिक क्लीवेज होने के बाद हमारे पास बन जाएगा एक लार्वा। तो कैप्सूल से कन्वर्जन हुई और लार्वा बना। पहला लार्वा जो बनेगा, फर्स्ट लार्वा विल बी कॉनिकल एंड सीलिएटेड लार्वा, दिस इज कॉल्ड एज मीरा सीडियम लार्वा। फिर ये लार्वा थोड़ा सा और डेवलप करेगा, होलो हो जाएगा अंदर से, अंदर से होलो हुआ एंड ओवल अपियर करेगा, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरोसिस्ट लार्वा। देन ये स्पोरोसिस्ट लार्वा और डेवलप कर रहा है, इलोंगेट हुआ, सिलेंड्रिकल सा बन गया, थर्ड लार्वा बन जाएगा दैट इज रेडिया लार्वा। देन रेडिया लार्वा फिर और डेवलप हो रहा है, टेल ग्रो कर रहा है और ऊपर से ओवल हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज सर्केरिया लार्वा। अब ये सर्केरिया लार्वा अपनी टेल को लूज कर देगा और अपने अराउंड एक सिस्ट डेवलप करवा लेगा। इस एनसिस्टिक लार्वा को बोला जाएगा मेटा सर्केरिया लार्वा। सो फेशियोला में पांच लार्वाज बनते हैं। जैसे ही फ्यूजन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जायगोट बना, वो जायगोट जब डेवलप करेगा तो बनाएगा मीरासीडियम लार्वा, देन स्पोरोसिस्ट, देन रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया लार्वा। फिर ये मेटा सर्केरिया लार्वा एडल्ट फेशियोला में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ फेशियोला हिपैटिका। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज लाइफ साइकिल ऑफ फेशियोला हिपैटिका। इसकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होती है, यानी डायजेनेटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है। एक होस्ट होता है प्राइमरी होस्ट या डेफिनेटिव होस्ट एंड दूसरा होस्ट होता है इंटरमीडिएट होस्ट। प्राइमरी होस्ट इज वन इन विच सेक्सुअल जनरेशन ग्रोज एंड फेशियोला का प्राइमरी होस्ट कोई भी वर्टिब्रेट होस्ट हो सकता है, लाइक शीप, गोट, ह्यूमन बीइंग हो सकता है। एंड इंटरमीडिएट होस्ट इज वन इन विच ए सेक्सुअल जनरेशन ग्रोस, लाइक लार्वाज डेवलप करते हैं जिसके अंदर। तो फेशियोला में इंटरमीडिएट होस्ट होता है फ्रेश वाटर स्नेल। अब लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए दो व्यूज दिए गए। पहला व्यू कहता है कि जो जर्म सेल हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, पार्थिनोजेनेटिकली लार्वा प्रोड्यूस करते हैं विच आर एसेक्सुअल एंड लार्वाज डेवलप करके एडल्ट बनाते हैं जो कि सेक्सुअल जनरेशन है। अब फिर ये एडल्ट, इनके जो जर्म सेल होंगे वो हैप्लॉइड है, पार्थिनोजेनेटिकली फिर ये लार्वाज बनाएंगे, तो मतलब एसेक्सुअल, सेक्सुअल, फिर एसेक्सुअल और सेक्सुअल जनरेशन रिपीट करती जाएंगी ऑल्टरनेटली। सो देयर इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अकॉर्डिंग टू दिस व्यू। इस व्यू को कहा जाता है हेटरोगैमी। इस व्यू को प्रॉपरली रिजेक्ट कर दिया गया, बिल्कुल बेकार व्यू था। तो फिर एक नया व्यू दिया गया, अकॉर्डिंग टू दैट व्यू जर्म सेल्स आर डिप्लॉयड इन नेचर एंड ये डिप्लॉयड जर्म सेल्स लार्वा बनाते हैं, ये फिर लार्वा ग्रो करके एडल्ट फ्लूक बना देता है, एडल्ट ऑर्गेनिज्म बना देता है। ये व्यू काम का माना गया, लॉजिकल व्यू है। दिस इज कॉल्ड एज डिलेड पॉली एम्ब्रियोनी फॉर फेशियोला। डिलेड पॉली एम्ब्रियोनी क्यों कहा, क्योंकि फेशियोला के केस में पांच लार्वाज बनते हैं, पॉली मैनी,
मेनी एम्ब्रियोज बनते हैं यहाँ पर, और वन बाय वन साइमल्टेनियसली धीरे धीरे मतलब बनते हैं. सो इट इज डिलेड पोली एम्ब्रियोनी. सो आफ्टर पोली एम्ब्रियोनी एडल्ट हमारे पास आ जाता है. सो जो इसकी लाइफ साइकिल है वो डिलेड पोली एम्ब्रियोनी के व्यू पे चलती है. अब इसको बनाते हैं हम. ये है एडल्ट फ्लूक. एडल्ट फ्लूक जब सेल्फ या क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर लेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जायगोट बना जो कि कैप्सुलेटेड होगा. कैप्सूल्स बन गए. ये कैप्सूल्स ट्रैवल करके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से बाइल डक्ट में गए, वहां से फिर ये गए इंटेस्टाइन में. इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर ये जो फीकल पाथवे है वहां फॉलो कर गए उनको, उसको, और बॉडी से बाहर निकल गए. बॉडी से बाहर गए अब पानी में, और वहां जाकर पहली लार्वल फॉर्म आ गई, दैट इज मीरा सीडियम लार्वा. ये मीरा सीडियम लार्वा कन्वर्ट हुआ सेकेंड लार्वल फॉर्म में, दैट इज पोरोसिस्ट. देन थर्ड रेडिया, फोर्थ सर्केरिया, फिफ्थ इज मैटा सर्केरिया. मैटा सर्केरिया लार्वा डेवलप हुआ यंग फ्लूक में, एंड यंग फ्लूक कन्वर्ट्स इनटू ओल्ड एडल्ट फ्लूक. तो अब देखिए ये जो सारी लार्वल स्टेजेस हैं, ये लार्वास स्नेल के अंदर डेवलप करेंगे, इंटरमीडिएट होस्ट में ग्रो करेंगे. एंड ये स्नेल कहाँ होगा? पानी में होगा. तो ये जब इंटेस्टाइन से कैप्सूल निकले थे फीकल पाथवे को फॉलो करके, फीसेस से निकले, तो ये किसी भी वे से वो फीसेस पानी के कॉन्टेक्ट में आए. पानी में जब फीसेस गए तो ये जो कैप्सूल्स थे वो भी गए. पानी में स्नेल था, स्नेल के अंदर ये जो कैप्सूल था वो चला गया, और फिर लार्वा बन गया. ये लार्वा अलग अलग स्टेजेस में डेवलप हुआ. अब जब ये मेटा सर्केरिया फॉर्म में आ गया तो ये स्नेल से बाहर निकला, वहां से फिर ये गया किसी वर्टिब्रेट होस्ट में, एडल्ट बना, वर्टिब्रेट होस्ट के लीवर में रहने लगा. फिर से ये लाइफ साइकिल ऐसे चलेगा.